हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो अभी तक दोस्तों स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कौन से युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन है इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो सम्राट अकबर ने चलाया था दोस्तों, दीन ए हिलाई धर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों लाल रंग का, इसलिए उगते और डूबते समय हमें सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं दोस्तों, इसको हम याद कर सकते हैं दोस्तों VIBGYOR से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। विब्योर अगर आपको याद है तो इंद्रधनुष के सारे ही कलर भी आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। विब्योर सिंपल सा याद करना है दोस्तों, और रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 7 कलर याद हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों चेचक के टीके की खोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पाश्चर ने की थी दोस्तों रेबीज के टीके की खोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों दूध दही में कन्वर्ट होता है दोस्तों। इसको आप सूक्ष्मदर्शी बोले तो लेंस, जो माइक्रोस्कोपिक लेंस होता है दोस्तों, उसकी सहायता से अगर आप दही में देखोगे दोस्तों तो उसमें छोटे छोटे आपको जीवाणु दिखाई देंगे दोस्तों, वो होते हैं लैक्टोबैसिलस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ज से अधिक होती है पराशर्वे तरंगों की आवृत्ति दोस्तों। आवृत्ति को किसी में मापा जाता है दोस्तों, हर्ज के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। परमाणु बम की बात हो रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बम की अगर बात करूँ दोस्तों तो वो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम किस पे काम करता है, विखंडन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ये दोस्तों एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं दोस्तों विद्युत धारा को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम सबसे ज्यादा आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों पेनिसिलिन दवा की खोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना का जो पौधा है उससे प्राप्त होती है दोस्तों मलेरिया की कुनिन नामक दवा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका नाम दोस्तों रफलोसिया दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल दोस्तों। अगर दोस्तों लूसेंट जीके का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।